नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि। आप सबका वेलकम करती हूं निधि किचन लाइफस्टाइल चैनल पर। दोस्तों उम्मीद करती हूं आप सब सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम है। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ आपको इंस्टेंट मैं दिखाऊंगी कि कैसे सफ़ेद बालों को काला बना सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, उसे दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक बाउल लेना है और यहाँ पे थोड़ा सा हमें मेथी पाउडर ऐड करना है। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अब यहाँ पे हाफ स्पून इतना मैं ऐड कर दूँगी हिबिस्कस पाउडर। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। दोस्तों ये जो हिबिस्कस पाउडर गुड़हल का फूल का पाउडर होता है ना, बहुत ही अच्छा सा कलर देता है हमारे बालों पर। अब मैं यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच इतना नारियल का तेल ऐड करूंगी। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैं खास चीज़ क्या ऐड करने वाली हूँ जो कि आपके बालों पे बहुत ही अच्छा सा नेचुरल ब्लैक कलर लेके आएगा। तो दोस्तों ये है इंडिगो पाउडर, नील पत्ती पाउडर। आप अगर अच्छी ब्रांड का लेंगे ना तो आपके बालों पे ये फर्स्ट टाइम में ही रिजल्ट लेके आएगा, ब्लैक कर देगा आपके बालों पे। पहले तो आपके बालों पे ये डार्कर कलर देगा, धीरे धीरे ये कलर रिलीज करके ब्लैक कर देता है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 चम्मच इतना एलोवेरा जेल। दोस्तों एलोवेरा जेल इसलिए ऐड करना है ताकि बालों पे नरिशमेंट बने रहे, बाल मजबूत रहे, हेयर फॉल नहीं हो। इन सबको बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और हमारा ये होममेड हेयर कलर बनके रेडी हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपको कोई भी पानी नहीं ऐड करना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने बताया है बिल्कुल इसी तरह आपको बनाना है। और अप्लाई करने का भी तरीका बहुत ही आसान है, मैं आगे आपको दिखाऊँगी वीडियो में कैसे इसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद आपको बिल्कुल इस तरह से अपने बालों पे अप्लाई कर लेना है। बालों पे कोई भी तेल नहीं होना चाहिए, आप चाहे तो अपने हाथों से भी इसे ईजिली लगा सकते हैं या तो आप हेयर डाई ब्रश आती है ना उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, बेकार वाली टूथब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर ज़्यादा सफ़ेद बाल है ना वहाँ पे इसे डबल ट्रिपल कोट करके लगा दे। तो मेरे यहाँ पे ज़्यादा सफ़ेद है तो मैं यहीं पे ज़्यादा लगाती हूँ और आधे घंटे के बाद आपको वॉश कर लेना है। थैंक यू।